यूपी सरकार ने अपने अफसरों और कर्मचारियों के लिए मीडिया गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अब सरकारी कर्मचारी बिना सरकार की अनुमति के प्रिंट और डिजिटल मीडिया पर नहीं लिख सकेंगे। हालांकि कलात्मक, साहित्यिक और वैज्ञानिक लेख लिखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस संबंध में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने एक आदेश जारी किया है। उत्कर्ष, ये मामला क्या है, ये क्यों रोक लगा दी है सरकार ने? इसको ना रोक के तौर पर मत देखिए, जो जानकारी मिली है वो ये है कि ये कोई नया आदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार अधिकारियों के काम करने के तरीके को लेकर, अधिकारियों को लेकर ढेर सारे समय समय पर गाइडलाइंस जारी करती है। दरअसल हुआ यह है कि पिछले कुछ दिनों में एक चीज देखी गई कि ढेर सारे जो अधिकारी हैं, चाहे वो IAS हों, IPS हों या फिर PS हों, PCS अधिकारी हों, अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, खासतौर पर खुद के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी ज्यादा एक तरीके से आप कह लीजिए कि आर्टिकल लिखना, अपने वीडियो बनाना, अपने वीडियो पोस्ट करना, किसी मामले पर राय रखना, कई बार बड़े जो उत्तर प्रदेश में कई सारी ढेर सारी मैगजीन्स हैं, अखबार हैं, उनमें अपने अपने आर्टिकल लिख देना, इन तमाम चीजों को करते थे। तो उसको लेकर सरकार को लगा, क्योंकि कई सारी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है जिसमें फिर सरकार की पोजिशनिंग बड़ी अजीब हो जाती है, क्योंकि आप आर्टिकल या आप अपना पूरा का पूरा लेख, अपना पोस्ट, अगर हम उसको पोस्ट कहें सोशल मीडिया के संदर्भ में इसको ज्यादा देखें, तो आप अपना जो पोस्ट होता है, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो टेक्स्ट हो, वो तो आप एक इंडिविजुअल की, एक व्यक्तिगत तौर की हैसियत से डालते हैं, लेकिन उसको पढ़ने वाला व्यक्ति तो ये मान रहा है ना कि आप उस पद के सक्षम अधिकारी हैं, और जो आपका मत है वो सिर्फ आपका मत नहीं है बल्कि वो उस अधिकारी का भी मत है। मान लीजिए वरुण कोई बात लिखते हैं तो कई लोग हो सकता है उसको इस तरीके से देखे कि अमर उजाला का मत है, या उत्कर्ष कुछ लिखते हैं तो वो उसको उस तरीके से देखा जाए। ठीक, ऐसे ही संदर्भ उत्तर प्रदेश सरकार के सामने बन रहे थे। मैं उसके पॉइंट्स पढ़ देता हूं, अगर जी आपकी आप जानकारी, ताकि इससे स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहली चीज जो पूरे के पूरे आदेश में कही गई है वरुण, वो ये है कि कोई भी अधिकारी उत्तर प्रदेश का, वो कि बिना अनुमति के, जो आपने स्पष्ट कर दिया था, वो किसी भी तरीके की मैगजीन या न्यूज़पेपर में कोई भी आर्टिकल जो लिख रहा होगा, मतलब वो मैगजीन या न्यूज़पेपर का मालिक नहीं होगा। आप अपने नाम से एक मैगजीन या एक न्यूज़पेपर नहीं चला सकते, आप ये नहीं कर सकते कि संपादन कार्य में भाग नहीं ले सकते, उसका संचालन नहीं कर सकते, आप उसके स्वामी नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात कि किसी भी तरीके के रेडियो प्रसारण में और या फिर दूसरे नामों से, जो कई बार होता है कि आप किसी निकनेम से, कई बार होता है कि जो लोग लेखक कवि हो जाते हैं वो एक दूसरा नाम या उपनाम रख लेते हैं या अपने एक कला का नाम रख लेते हैं, आप किसी और नाम से या किसी गुमनामी से कोई भी अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग या अपना कोई आर्टिकल किसी भी मैगजीन में, किसी पेपर में या किसी रेडियो पर नहीं भेज सकते। तो ये दो चीजें तो बहुत साफ इस तरीके से कहेगी कि एक मालिकान को लेकर और एक दूसरा इस बात को लेकर कि कोई भी जो अधिकारी है वो कोई दूसरे नाम के अपनी सीधी सीधी जो परिचय है उसको जारी किए बिना, सार्वजनिक किए बिना, वो तब भी नहीं लिख सकता। अब सीधी जो बात आती है कि अगर मान लीजिए आप गुमनाम नहीं है तो उसमें दो क्लॉज रखे गए हैं। एक, कोई भी ऐसा आर्टिकल या बयान जिससे कि उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार में आप जिस पद पर हैं उससे बड़े पद पर, यानी कि मान लीजिए कोई जूनियर लेवल अधिकारी है तो वो अपने सीनियर की आलोचना करने वाला कोई आर्टिकल, कोई वीडियो, कोई ऑडियो अपने प्रदेश सरकार की, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की, इसके अलावा कोई ऐसा ऑडियो या वीडियो भी नहीं जारी कर सकता जिससे कि उत्तर प्रदेश सरकार का केंद्र सरकार से, किसी अन्य राज्य सरकार से या फिर किसी दूसरे देश से संबंध खराब होता हो, यानी नीतियों की आलोचना हो सकता है। देखिए, हमने पिछले कई दिनों में देखा कि कई वर्किंग ऑफिसर जो होते हैं, मान लीजिए वो अलग अलग विभागों में होते हैं, तो वो अपने विभागों के एक्सपर्टी के आधार पर दूसरे राज्यों में होने वाली पॉलिसियों पर, केंद्र में होने वाली पॉलिसियों पर टिप्पणी लिखते हैं, टिप्पणी करते हैं, कमेंट करते हैं, वीडियो लिखते हैं, वो राय उस मामले में लेकर अपनी अनभिज्ञता या फिर उस मामले में अपनी असहमति जाहिर करते हैं। अब ऐसे मामलों में मान लीजिए किसी और प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और उत्तर प्रदेश का कोई अधिकारी उस पर जो सर्विस में है और वो कुछ लिखता या बोलता है, उससे उत्तर प्रदेश और उस राज्य के बीच के संबंध खराब हो सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों के, ऐसे टकराव को रोकना भी इस पूरे आदेश का एक उद्देश्य है। इसके अलावा इसमें एक बात और स्पष्ट की गई है कि आजकल ढेर सारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गए हैं जिसमें ट्विटर है, फेसबुक है, स्पष्ट रूप से जो उस पूरे आदेश में जिन प्लेटफॉर्म्स के नाम लिखे गए हैं अगर उसकी बात कर ली जाए तो उसमें फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, और उसमें ये भी लिखा गया है क्योंकि फॉर्म और मोड बदलते रहते हैं, तो इस पर कोई भी जानकारी बिना गुड फेथ के, यानी कि अब देखिए हम मीडिया से कोई अधिकारी बात कर रहा है तो वो जानकारी दे रहा है, किसी घटना पर हम उनकी बाइट ले रहे हैं, किसी घटना पर अपडेट ले रहे हैं, वो बात अलग हो गई, लेकिन बिना गुड फेथ के, यानी कि अगर आपने अच्छे उद्देश्यों से उसको आगे बढ़ा दिया तो वो गलत होगा।
और अंत में ये कहा गया है कि इस तरीके के नियम अगर अधिकारी तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जो मोटा मोटा स्वरूप है वो ये है कि जो एक एक्सपर्ट के तौर पर अपने ओपिनियन के तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पोस्ट को लेकर जो एक सावधानी बीच में देखी गई थी कि वो कई अधिकारियों में नहीं है, वो ना रहे, इसको इस तरीके से ना देखा जाए कि वो बातचीत ना करें, वो कम्युनिकेट ना करें। कम्युनिकेशन को और पोस्ट को, राय को अलग रखा गया है, उसमें एक बात और अलग कर दी गई है। कई ऐसे अधिकारी हैं जो कि कई सारी सेवाओं में कई तरीके के विषयों से जुड़े हैं, तो जैसा आपने शुरू में भी कह दिया था कि साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक अगर आर्टिकल होंगे, यानी कि वो कला से जुड़े होंगे, अगर वो साहित्य से जुड़े होंगे या वो किसी वैज्ञानिक शोध से जुड़े होंगे, तो उसमें इन अनुमतियों की भी आवश्यकता नहीं है, वो सीधे सीधे अधिकारी अपने नामों से प्रकाशित कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।